Welcome back friends, welcome back again to my channel, The Polario, and today we have discussed about or we heat stress in stress physiology. Plant में हम heat stress protein के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So this is my second lecture of stress biology. दिल्ली में मानसून आ चुका है, आप भी अपने मन में मानसून लाइए और education की तरफ बढ़िए. जितना ज्यादा आप इस टाइम को यूज करोगे ना, यूटिलाइज करोगे, गेट मोर एजुकेटेड, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट. लॉकडाउन का फायदा उठाओ, कोरोना पैंडेमिक को हावी मत होने दो आपके ऊपर, ठीक है? जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, बट एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो मत कीजिए जो नहीं आपको नहीं करना है, ठीक है? आप वो कीजिए बेशक, लेकिन एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. सिर्फ 20 मिनट्स आप मैक्सिमम अगर पूरे डे में 1 आवर भी देते हो अपने एजुकेशन को, तो इट्स वेरी गुड. अगर आप डेली 1 आवर दे रहे हो तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना इंक्रीज होता जाए. तो नहीं हो ना, जस्ट स्टार्ट 1 आवर से करो, स्टार्ट 20 मिनट से करो, फिर धीरे 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 करके आपका स्टेमिना इंक्रीज होता जाए. और एक ऐसा टाइम आएगा आप हट ही नहीं रहे हो, आप और चाहते हो कि मुझे और पढ़ना. प्लीज बी फोकस ऑन एजुकेशन एंड यूटिलाइज दिस टाइम. तो मैं चलता हूँ अपने लेक्चर की ओर. मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो आज हम लेक्चर और अच्छे से कर पाएंगे. तो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया था कि प्लांट्स अडेप्टेशन करता है हीटिंग से बचने के लिए, यानी हीट स्ट्रेस से बचने के लिए. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर. प्लांट में हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या क्या चीजें एक्टिवेट होती हैं, क्या टॉलरेंस की टेक्निक वो अपनाता है. फिजिकली हमने देख लिया था कि वो अपनी लीव्स में मॉडिफिकेशन करता है, कुछ अडेप्टेशन भी करता है. तो प्लांट्स में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम इनका एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि कैटालेज हो गया, परऑक्सीडेज हो गया, सोडी हो गया, ग्लूटाथियोन होगा, रिडक्टेज, ठीक है? ये सब एक्टिवेट होते हैं प्लांट्स में ड्यू टू हाई टेम्परेचर. कुछ प्लांट आपके एंटीऑक्सीडेंट मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एन एस्कॉर्बेट, कैरोटीन एक्सेट्रा. कैरोटीन इज इन अ प्रोटीन, बट इट इज प्रेजेंट ड्यू टू टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर से बचने के लिए ये प्रोड्यूस होता है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन. कैसे हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं प्लांट्स में, क्या सिग्नलिंग है, ट्रांसक्रिप्शन सिग्नलिंग जो है, मैं वो भी आपको बताऊंगा. चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. जैसे कि मैंने यह स्लाइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक स्लाइड एक बार स्लाइड पढ़ देता हूँ. क्या होता है, जैसे ही प्लांट सडन एक्सपोजर होता है 5 to 10 degrees Celsius, अगर जैसे ही किसी प्लांट में टेम्परेचर राइज अप हुआ, तो वो एक यूनिक सेट ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एन HSP, यानी हीट शॉक प्रोटीन. अब ये HSP क्या है, ये प्लांट को उस स्ट्रेस से बचते हैं, बचाते हैं. एक्चुअली कैसे बचाएंगे, बाय एक्टिंग एज एन मॉलिक्यूलर चेपरोन. HSP एक्चुअली एक्टिंग एज एन मॉलिक्यूलर चेपरोन टू हेल्प प्लांट फॉर सो दैट प्लांट कैन विदस्टैंड इन अ हीट स्ट्रेस. तो जैसे कि काफी सेल प्रोटीन्स है, जो एंजाइम की तरह वर्क कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, हीट स्ट्रेस के कारण उनकी फोल्डिंग मिसफोल्डेड हो जाती है, या वो फोल्ड ही नहीं हुए हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से उन प्रॉपर एंजाइम का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी या जो भी उनकी फंक्शनल एक्टिविटी है वो लॉस होती जाती है. तो जो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये एक्चुअली एग्रीगेट हो जाएंगे. काफी सारे मिसफोल्डेड प्रोटीन आए और एग्रीगेट बना लिया और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो HSP क्या करेगा, एक मॉलिक्यूलर चेपरोन की तरह एक्ट करके ये उन प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग कराएगा, ताकि एग्रीगेटेड जो प्रोटीन है वो अपनी मिसफोल्डिंग से बचे या वो अनफोल्डेड ना रहे, ठीक है? उनकी प्रॉपर फोल्डिंग कराए. और प्रॉपर फोल्डिंग कैसे कराएगा वो हम देखेंगे. तो HSP एक्चुअली फैसिलिएटिंग इन अ प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी फैसिलिएट करता है प्लांट को, so that plants protein can do their function properly at an elevated temperature. जब आपका temperature elevate हो रहा है, stressful condition में पहुंच रहा है,
उसमें भी ये प्रोटीन अच्छे से वर्क कर सके। तो मॉलिक्यूलर मास अगर मैं एचएसपी की बात करूं तो इट इज रेंजेस फ्रॉम 15 to 104 किलो डाल्टन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट दे आर अरेंज इनटू इन अ 5 क्लासेस। ठीक है, साइज के बेसिस पे ये अरेंज है। डिफरेंट एचएसपी लोकलाइज है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ईआर में और साइटोसोल में। तो जो हम मॉलिक्यूलर चैप्टर नॉट मॉलिक्यूलर चैप्टर जो हम एचएसपी के बारे में पढ़ते हैं दैट इज एचएसपी 60 हो गया, एचएसपी 70 हो गया, ठीक है, एचएसपी 100 हो गया, ये सारे के सारे आपके ग्रुप होते हैं मॉलिक्यूलर चैप्टरों में जो इन्वॉल्व है एटीपी डिपेंडेंट स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, जो प्रोटीन की फोल्डिंग करेंगे और ओलिगोमेरिक प्रोटीन की असेंबली कराने में हेल्प करते हैं। अब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ सोयाबीन का, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सोयाबीन के सीडलिंग को 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जस्ट बिलो द लीडर टेम्परेचर, ये ध्यान रखिए लीडर टेम्परेचर से कम रखो, तो अगर सोयाबीन की सीडलिंग को हम इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे एलिवेट कराएंगे तो क्या होगा, तो जो नॉर्मली उसमें मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं या जो नॉर्मली प्रोटीन फाउंड होते हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। तो एक बार मैं स्लाइड ले लेती हूँ, इस पर आपको अच्छे से। तो क्या है, सोयाबीन सीडलिंग को एलिवेट कराया 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बिलो लीडर टेम्परेचर। लीडर टेम्परेचर पे क्या होगा, ये डाई कर जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो क्या हुआ, जो प्रोटीन इसमें नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस में बनते हैं एमआरएनए प्रोटीन जो बनता है, इनका एक्सप्रेशन या इनका फॉर्मेशन सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जगह उन प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्टिवेट हो जाएगा जो प्रोटीन नॉर्मली फाउंड नहीं होते सोयाबीन, जैसे कि 30 to 50 प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, एक्चुअली 30 to 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये प्रोटीन सोयाबीन में नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर एलिवेट हुआ इनकी प्रोडक्शन एनहेंस्ड हो जाएगी। इतना एनहेंस हो जाएगी क्योंकि क्या है ना, सोयाबीन को उस टाइम पे सब ये दिख रहा है आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, एंड फॉर प्रोटेक्शन दे कैन प्रोड्यूस दे कैन डू एन स्टार्ट सिंथेसाइजिंग ओवर अ प्रोटीन, और प्रोटीन के सिंथेसाइजिंग के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, और ऐसे 30 से लेकर 50 तक प्रोटीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो प्रोटीन जो नॉर्मली फाउंड होंगे सोयाबीन सीडलिंग में उनका सप्रेशन हो जाएगा और दूसरे प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इंक्रीज हो जाएगा, और इन्हीं प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एचएसपीज। यही वो प्रोटीन है जो हीट शॉक प्रोटीन्स कहलाते हैं क्योंकि ये हीट स्ट्रेस के कारण एक्टिवेट हुए। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब एक छोटा सा भी है कि हाँ, ऑल्दो अगर मैं बात करूं जो हीट शॉक प्रोटीन है वो पहले आइडेंटिफाई ऐसे ही हुए थे कि जैसे सडन चेंज हो गया टेम्परेचर में उन्हीं के रिस्पॉन्स में जिस जो प्लांट ने नॉर्मली प्रोड्यूस करे प्रोटीन उनको हमने हीटशॉक प्रोटीन्स कह दिया, क्योंकि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग नॉर्मली, दे आर प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ एन एलिवेशन ऑफ एन टेम्परेचर, सडनली टेम्परेचर इंक्रीज करा तब प्रोड्यूस हुए, तो इसलिए हमने उनको एचएसपी प्रोटीन कहा क्योंकि वो हीटशॉक प्रोटीन्स है, हीट स्ट्रेस में आपके वो प्रोड्यूस होना शुरू हुए। लेकिन ये कंडीशन नॉर्मली बहुत रेयर पाई जाती है नेचर में, ये कंडीशन आपको उनमें भी मिलेगी, यानी एचएसपीज की अगर मैं बात करूं, एचएसपीज उन प्लांट्स में भी बनते हैं जिनके अंदर ग्रेजुअल राइज हो रहा है टेम्परेचर का, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल एनवायरमेंट को, यानी जो फील्ड में आपके प्लांट्स वगैरह हैं उनमें भी एचएसपी प्रोड्यूस होते हैं जिनमें ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होता है। अब कुछ एचएसपीज क्या है, नॉर्मल some HSPs, ये मैंने लिखा नहीं है, ये जस्ट मुझे अभी याद आया तो you guys have to note it down, ठीक है ना, some HSPs are
found the most okay what happened are found in normal unstressful condition. ठीक है, अनस्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी मिलते हैं कुछ SSPs आपके, और आपके कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स है एंड सम एसेंशियल प्रोटीन्स आर होमोलोगस टू HSPs. HSP के होमोलोगस होते हैं. ठीक है, लेकिन ये थर्मल स्ट्रेस के कारण इनका अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा. एक्चुअली तो प्लांट्स हो गए, अगर ऑर्गेनिज्म हो गए, तो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज के HSP को प्रोड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपने टेम्परेचर रिस्पॉन्स. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, वो HSP का साइज उन ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या अदर ऑर्गेनिज्म हो जो प्रोड्यूस करते हैं, उनमें इंक्रीज होता जाता है. और ये सभी में नहीं होगा, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म और ज्यादातर प्लांट्स में ये होता है. ठीक है, तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ. जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, सम ऑफ द HSP आर नॉट यूनिक टू हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, दे आर इंड्यूस्ड बाय वाइडली डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस और कंडीशन. अब कुछ ऐसा है कि मैंने आपको हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में बताया जो हीट स्ट्रेस के कारण एलिवेट हुआ है या हीट स्ट्रेस के कारण प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. कुछ आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेस और कंडीशन के कारण भी होते हैं, जैसे वाटर की डिफ्लेक्टिंग हो जाना. ठीक है, एब्सेसिक एसिड का ट्रीटमेंट ज्यादा हो गया, वुंडिंग हो गई यानी उसमें घाव होते जा रहे, टेम्परेचर लो हो गया, सैलिनिटी स्ट्रेस, इनमें भी हीट शॉक प्रोटीन्स एक्टिवेट होते. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही प्रोड्यूस होंगे, दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन में भी प्रोड्यूस होंगे. तो इसी बात पे मुझे एक पॉइंट याद आया है कि कुछ HSPs क्या है, मुझे यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड रखनी चाहिए ताकि जो भी मुझे इस टाइम याद आता रहे आपको बता. सम HSPs असिस्ट इन पॉलीपेप्टाइड ट्रांसपोर्ट, पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसपोर्ट में भी असिस्ट करते हैं अक्रॉस एन मेम्ब्रेन टू सेलुलर कंपोनेंट. असिस्ट इन पॉलीपेप्टाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एन मेम्ब्रेन सेलुलर कंपार्टमेंट, सेलुलर कंपार्टमेंट में भी ये असिस्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसपोर्ट के लिए उनकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस. और अगर मैं बात करूं इसी में, तो HSP90 जो है, जो क्या करता है, एसोसिएटेड रहेगा, ये एसोसिएट रह रहा है किसके साथ, एसोसिएट रह रहा है एसोसिएटेड विद हॉर्मोन रिसेप्टर. जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एनिमल सेल्स में हार्मोन रिसेप्टर स्पेलिंग पे मचाइएगा आपको, स्पेलिंग गलत हो सकती है. देन एनिमल सेल्स, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये एसोसिएट रहते हैं हार्मोन रिसेप्टर में, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये उनकी एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं and are required for activation. ठीक है, and are required for activation. जैसे कि अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं, तो प्लांट में क्या होगा, प्लांट में ज्यादातर जो आपको HSPs मिलेंगे ना, वो लो मॉलिकुलर वेट के मिलेंगे, यानी उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 50 किलो डाल्टन के बीच में ही मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म. अदर ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेंगे, ज्यादातर आपको 30 किलो डाल्टन से अबव वाले HSPs मिलेंगे, लेकिन प्लांट में जो हायर प्लांट्स हैं, उनमें इस रेंज के HSPs मिलेंगे. बिलोंग्स टू हायर प्लांट्स, ठीक है, अबंडेंट होते हैं ये एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है प्लांट्स में इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका अमाउंट इज मच अबंडेंट एज कम्पेयर टू
अदर एच एस पी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो मेडिएट करेगा एच एस पी के एक्युमुलेशन के लिए। यानी अगर मैं बात करूं, मैं नहीं मतलब यानी अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हीट जो फैक्टर जो है वो एक्चुअली उस साइकिल को एक्टिवेट करते हैं जो हीट शॉक प्रोटीन एमआरएनए को सिंथेसाइज करे। तो ये कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। तो इस साइकिल में मैं आपको HSP70 के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हम HSP70 को लेकर ये साइकिल समझेंगे, ट्रांसक्रिप्शन साइकिल समझेंगे। आप दूसरे प्रोटीन्स के साथ भी ये सेम कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं है दूसरे प्रोटीन्स के साथ ही सेम कंडीशन नहीं है। दूसरे प्रोटीन्स में दूसरे हीट शॉक प्रोटीन्स। तो इन अनस्ट्रेसफुल कंडीशन दिस HSF, ये जो HSF है, ये आपका HSF है, ये बाइंड अप रहेगा हीट शॉक प्रोटीन से, ठीक है। और ये मोनोमर कंडीशन में फाउंड होगा। तो ये जो मोनोमर कंडीशन होती है, इट कैन नॉट एबल, ये एबल नहीं है डीएनए को बाइंड करने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन को आपका डायरेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही हीट स्ट्रेस मिलता है, हीट शॉक प्रोटीन गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस मोनोमर ऑफ हीट शॉक फैक्टर। एंड जैसे ये सेपरेट हुए, ये क्या हुआ, आपके हीट शॉक फैक्टर गेट्स एक्युमुलेटेड एंड फॉर्मिंग इन अ ट्राइमर। जैसे ही ये ट्राइमर फॉर्म हो जाता है, नाउ दे आर एबल टू बाइंड टू इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस विच डायरेक्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्ट करेंगे। और इन स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, हीट शॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही हीट स्ट्रेस मिला, हीट शॉक फैक्टर आपके हीट शॉक प्रोटीन से अलग हो गए। अलग होते ही ये हीट शॉक फैक्टर आपके एक्युमुलेट हो गए, एसोसिएट कराए एक दूसरे के साथ और ये ट्राइमर बना लिया। ट्राइमर इज नाउ कैपेबल ऑफ बाइंडिंग दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस विच आर कॉल्ड एज एन हीट शॉक एलिमेंट्स, और जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। तो जैसे ही ये हीट शॉक एलिमेंट प्राइमरी कंडीशन, हीट शॉक एलिमेंट दिस प्राइमरी कंडीशन ऑफ सॉरी जैसे ही ये हीट शॉक एलिमेंट पे ये HSF की प्राइमरी कंडीशन बाउंड करती है, इट्स गेट्स फॉस्फोराइलेट, वैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही हो सकते हैं ये हीट शॉक फैक्टर, दो ही प्राइमरी कंडीशन बन रही है, देयर आर मल्टीपल्स ऑफ हीट शॉक फैक्टर बाउंड ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, ठीक है। मल्टीपल्स भी बाउंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो या एक ही, ठीक है, ठीक है। तो जो हीट शॉक फैक्टर है प्राइमरी कंडीशन में ही बाउंड करेगा, और जैसे ही ये हीट शॉक एलिमेंट पे बाउंड करेगा वैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। और इसके फॉस्फोराइलेशन होते ही ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट होगी और HSP का जो mRNA है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या तो हीट शॉक प्रोटीन्स के जो mRNA है उसका प्रोडक्शन हो गया। देखो ये जैसे ही फॉस्फोराइलेट हुआ, फॉस्फोराइलेट होते ही आपका वो mRNA का प्रोडक्शन प्रोड्यूस फॉर्मेशन होने लग जाएगा, प्रमोट होने लग जाएगा जो हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हीट शॉक प्रोटीन अनस्ट्रेसफुल कंडीशन में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनका एनहेंसिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही होता है, ठीक है। ये देखिए हीट शॉक प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग गया। हीट शॉक प्रोटीन के फॉर्मेशन होते क्या करेगा, ये हीट शॉक प्रोटीन उस यानी जो HSP70 है आपका, जो प्राइमरी कंडीशन थी हमारी HSF की, जो आप अभी आपके HSE पे बाउंड करके रखिए, वहां पर जाके भी ये दोबारा उसको बाउंड अप कर, लेकिन ये HSE और तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस कॉम्प्लेक्स कैसा बना रहा है, ये देखो ये हीट शॉक फैक्टर है विच गेट्स फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेशन होते ही हीट शॉक प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन के होते ही वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगी जो हीट शॉक प्रोटीन mRNA को फॉर्म करती, और हीट शॉक प्रोटीन mRNA बना, उसके बाद हीट शॉक प्रोटीन बने। हीट शॉक प्रोटीन नाउ अटैच टू दी HSF से अटैच हो जाएंगे, प्राइमरी कंडीशन में ही अटैच हो जाएंगे। लेकिन ये प्राइमरी कंडीशन में क्यों अटैच हो रहे हैं ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी कंडीशन में अटैच होते हैं, उनके अटैच होने के पीछे का मकसद यही है ताकि
ये जो एलिमेंट से आपके बाउंड हो रखे हैं हीट शॉक फैक्टर, ये उनसे सेपरेट हो सके, यानी आपका ये जो HSE और HSF का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये टूट सके, तो इसको तोड़ने के लिए हीट शॉक प्रोटीन इस पे बाइंड अप कर जाए। ये देखो ये हीट शॉक एलिमेंट से सेपरेट हो गया HSF, और ये फॉस्फोराइलेशन है अभी भी, ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन भी आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक। और ये जैसे ही आपका हीट शॉक प्रोटीन सेपरेट हुए, नाउ अगेन हीट शॉक फैक्टर गेट्स प्रेजेंट इन अ मोनोमेरिक कंडीशन, मोनोमेरिक कंडीशन में प्रेजेंट हो गए, मोनोमेरिक कंडीशन में जैसी अनस्ट्रेसफुल कंडीशन गई, मतलब अनस्ट्रेसफुल कंडीशन आई, फिर से दोबारा ये HSP70 मोनोमर कंडीशन में बाइंड अप कर गए, क्यों, ताकि ये ट्राइमर ना बना सके और ट्रांसक्रिप्शन फिर से एक्टिवेट ना हो सके। तो जैसे ही आपका HSP इतना अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है, इतना अबंडेंट हो जाता है, ताकि वो मतलब इतना अबंडेंट हो जाए कि वो सारे के सारे हीट शॉक फैक्टर से बाइंड अप कर दे, वैसे ही HSP का प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी HSP का जो mRNA का प्रोडक्शन है कम हो जाता है। जैसे कि आप जो भी सिग्नलिंग पढ़ते हो उसका जो एंड रिजल्ट होता है, या जो भी साइकिल पढ़ रहे हो जिसका एंड रिजल्ट होता है, वो ही एंड रिजल्ट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है उस साइकिल को स्टॉपेज के लिए। तो यहाँ पर इस साइकिल को स्टॉपेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये HSP। ये HSP जैसे ही इतने अबंडेंट हो जाए कि ये हर एक हीट शॉक फैक्टर की मोनोमेरिक कंडीशन में बाइंड अप कर ले, वैसे ही ये कंडीशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। और वो कंडीशन कब आएगी, जब आपका हीट स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक बार साइकिल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे में भी हो जाए, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है हीट शॉक फैक्टर आपके प्रेजेंट है मोनोमेरिक कंडीशन में, विच आर बाउंडेड विद HSP एज हीट स्ट्रेस प्रोवाइडेड बाय एन एनवायरमेंटल कंडीशन, दिस HSP गेट सेपरेटेड फ्रॉम हीट शॉक फैक्टर, then heat shock factor gets accumulated and forming in a trimer. Now this trimer is capable of binding in a specific sequence element which is called a heat shock element, and as it is binding to these heat shock elements, it gets phosphorylated, and as it is phosphorylated, heat shock protein mRNA transcription promotes, which ultimately forming in a more heat shock proteins. As more heat shock proteins form, it gets now binded with this phosphorylated trimeric complex, मतलब इस trimeric complex से bind up कर देगा, as it is binding with this complex, इसकी binding इस complex heat shock factor को अपने इस complex से अलग कर देगा, ठीक है। Now heat shock factor gets separated from the HSE-HSF complex and its phosphorylation is also removed, and as its phosphorylation removed, now this trimeric condition is also getting converted into its monomeric condition, and as HSP are in abundant, so that it can bind sufficiently to heat shock factor in unstressful condition, and this cycle gets stopped. आई होप सो आप लोगों को ये सारी ये ट्रांसक्रिप्शन साइकिल समझ आई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, तो आई थिंक आई हैव टू टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके तो आज हम इतना ही रखते हैं, प्लीज इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही, so please like my video and also subscribe my channel and also comment karna mat bhoolo, kyunki aapko samajh aa raha hai ya nahi aa raha wo mujhe commenting se hi pata chalega, to please comment me ki aapko kya samajh aa raha hai aur mujhe response dijiye taki main improve kar sakun, main apna best de raha hu, agar aap mujhe response nahi denge to mujhe lagega ki I am sufficient, कि मुझे इतना ही करना चाहिए, इससे ज्यादा और इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहिए। तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर कलीग, सो दैट योर स्टूडेंट गेट्स आल्सो नॉट स्टूडेंट योर फ्रेंड्स गेट्स आल्सो टेकन अ चांस ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अ मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू सो मच।